दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की। स्थानीय बस्ती दानिशमंदा में रसीला नगर में हथियार बंद कुछ युवकों ने राजन अंगुराल पर हमला कर दिया। इस दौरान राजन अंगुराल के समर्थक भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही वे हमलावर मौके से भाग गए, लेकिन उन हमलावरों को लोगों ने हथियारों सहित काबू कर लिया। इस दौरान मौजूद राजन ने बताया कि वे अपनी फैक्ट्री से पैदल घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों ने घेर कर उन पर तेज धार हथियारों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रविंदर पाल संधु ने कहा कि राजन ने खुद पर हुए हमले का आरोप शहर के ही एक पार्षद पर लगाया है। फिलहाल पुलिस ने राजन अंगुराल के बयानों पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि पकड़े गए दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। मेरे बड़े भाई सर राजन अंगुराल घरू अपने लिख रहे बार 10-12 गुंडे हथियार लैस जिन्होंने मोड़ नाका लाया हुआ उन्होंने मारन की कोशिश की जान तो उन्हें अपनी जान बचा के भज के मार्केट लोगों ने 3-4 गुंडे बच्चों फड़ ले जिन्हों को कृपाना हथियार और कि जो जानों मारने इरादे च आए थे उन्हें जान बचा के अपनी भजया मार्केट लोगों ने 3-4 गुंडे फड़े जो पुलिस को देते हैं पुलिस को बयान देकर उन्होंने खिलाफ कार्रवाई इन्होंने को 2 कृपाना एक और जो सड़क खिले पे 4 मोबाइल लगे रोड तो शिकायत मिली से भी उत्थे राजन अंगुराल का कहना है मैंने बंदे कुछ कुट मार लगे थे व्यक्ति भी सके कृपाना वगैरह लोग कट्ठे कट्ठे हो गए 2 बंदे फड़ लिया मौके से बाकी भाई गए और असं वो बयान लिख लिया है और यदि कार्रवाई की जा रही है 307 IPC और 506 और 148 149 ये तो मुकदमा ही दर्ज करता है। बाकी असं 2 बड़े बंदे फड़े उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, बाकी असं तफ्तीश कर रहे हैं, बाकी गिरफ्तार किए।